प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरित मानस की कथा अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन सुनाते हैं। मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी लगती है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो आज का जो प्रसंग है कि श्री हनुमत लाल जी माता सीता से मिलकर लंका दहन करके और प्रभु श्री राम के पास आए। प्रभु राम उनसे बोले कि हे हनुमान, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुमसे उरीन नहीं हो सकता, तो हनुमान जी श्री राम के चरण पर गिर गए कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उसके बाद भगवान के चरण पर जो हनुमान जी गिर गए तो उठते ही नहीं थे। तब भगवान उठा के उनको गले से लगाया, हृदय से लगाया, तो हनुमान जी लंका की कथा उनको सुनाने लगे और कहे कि हे नाथ, कि मुझे आप निश्चल भक्ति का वरदान दीजिए। आप ये सुनकर प्रभु श्री राम काफी खुश हुए और उसके बाद बंदर सेना को एकत्र करके और बानर भालू के झुंड बना के और श्रीलंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाने लगे। तन्नाथ भगति अति सुखदायनी, जय सिया राम जय जय हनुमान, देहु कृपा करियन पायनी, जय सिया राम जय जय हनुमान। असुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, जय सिया राम जय जय हनुमान। एवमस्तु तब कहउ भवानी, जय सिया राम जय जय हनुमान। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु मने ऐसा ही हो कहा। अब उमा राम सुभाउ जहि जाना, जय सिया राम जय जय हनुमान। अताहि भजनु तजी भावन आना, जय सिया राम जय जय हनुमान। यह संवाद जासूर आवा, जय सिया राम जय जय हनुमान। रघुपति चरण भगति सोई पावा, जय सिया राम जय जय हनुमान। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं। सुहाती, या स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति
पा गया। असुनी प्रभु बचन कहि कपि वृंदा, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय 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 कृपाल सुख कंदा, जय सिया राम जय जय हनुमान। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, जय सिया राम जय जय हनुमान। कहाँ चले कर करहु बनावा, जय सिया राम जय जय हनुमान। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो। अब विलंब केहि कारण की जय, जय सिया राम जय जय हनुमान। अतुरत कपिन कहु आय सुदी जय, जय सिया राम जय जय हनुमान। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अनभते भवन चले सुर हरसी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानर को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूत अनाना बरन अतुल बला, बानर भालु बरूत। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज न वही शीशा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अगर जही भालु महावल कीसा, जय सिया राम जय जय हनुमान। देखी राम सकल कपि सेना, जय सिया राम जय जय हनुमान। अचितई कृपा करी राजीव नैना, जय सिया राम जय जय हनुमान। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं, महाबलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अभय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अहरसि राम तब किन्न पयाना, जय सिया राम जय जय हनुमान। असगुन भय सुंदर शुभ नाना, जय सिया राम जय जय हनुमान। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया, अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। अजासु सकल मंगलमय कीति, जय सिया राम जय जय हनुमान। अतासु पयान शगुन यह नीति,
जय सिया राम जय जय हनुमान। अप्रभु पयान जाना वैदेही, जय सिया राम जय जय हनुमान। अफर की बाम अंग जनु कहीं देही, जय सिया राम जय जय हनुमान। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति, यह लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फरक फरक कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। अजोई जोई सगुन जानकी ही होई, जय सिया राम जय जय हनुमान। असगुन भयउ रावण ही सोई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अचला कटकु को बरने पारा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अगर जही बानर भालु अपारा, जय सिया राम जय जय हनुमान। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अप शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। अनख आयुध गिरिपाद पधारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अचले गगन मही इच्छाधारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अकेहरी नाद भालु कपि करही, जय सिया राम जय जय हनुमान। डगमगाही दिग्गज चिक्करहीं, जय सिया राम जय जय हनुमान। नखी जिनके शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं, उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगार रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटि न धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कोशल, नाथ गुण गन गावहि। दिशाओं के हाथी चिघारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार यही पति, बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयान, परिस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अभिचल पावनी। उदार
परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे सोभा पा रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, अजहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपि वीर। इस प्रकार कृपा निदान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। निशाचर रहि सशंका, जय सिया राम जय जय हनुमान। अजब ते जारी गयउ कपिलंका, जय सिया राम जय जय हनुमान। अनिज निज गृह सब करहि विचारा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अनहि निसिचर कुल केर उबारा, जय सिया राम जय जय हनुमान। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं। अजासु दूत बल बरनी न जाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अते ही आए पुर कवन भलाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। दूति न सन सुनिपुर जन बानी, जय सिया राम जय जय हनुमान। मंदोदरी अधिक अकुलानी, जय सिया राम जय जय हनुमान। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है, हम लोगों को बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोर कर पति पगलागी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अब बोली बचन नीति रस पागी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अकंत करस हरिशन परिहरहूं, जय सिया राम जय जय हनुमान। मोर कहा अति हित हिय धरहूं, जय सिया राम जय जय हनुमान। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। असमुझत जासु दूत कई करनी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अश्रवहीं गर्भ रजनी चर धरनी, जय सिया राम जय जय हनुमान। अता सुनारी निज सचिव बोलाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अपठ बहु कंत जो चाहू भलाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही
स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। सीता सीत निशा सम आई, जय सिया राम जय जय हनुमान। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, जय सिया राम जय जय हनुमान। अहित न तुमार शंभु अज किन्ने, जय सिया राम जय जय हनुमान। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुखी देने वाली जारे की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा किए भी आपका भला नहीं हो सकता है। वो भी भला करेंगे तो पर भी आपका भला नहीं होगा। राम बाण अहि गण सरिसा, निकर निसाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करहु तजि टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वो इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। अश्रवण सुनी सठता करिबानी, अभिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय शुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव जो होता है वो सचमुच ही डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जवा बई अमर कट कट काई, अजियहि बिचारे निसिचर खाई। कंपहि लोकप अज्जा की त्रासा, अत्ता सुनारी सभी तबरियासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह तो बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हंसी ताही उरलाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अचले उषभा ममता अधिकाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। मंदोदरी हृदय कर चिंता, जय सिया राम जय जय हनुमान। भयउ कंत पर विधि विपरीता, जय सिया राम जय जय हनुमान। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। अब बैठे हूं सभा खबरी असिपाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। असिंधु पार सेना सब आई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अब बूझ सी सचिव
उचित मत कहूं, जय सिया राम जय जय हनुमान। अति सब हसे मस्त करी रहूं, जय सिया राम जय जय हनुमान। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। अजीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, अनर बानर के ही लेखे माही। अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव बैद गुर तीन जो, प्रिय बोलहिं भयास। राज धर्म तन नीति करा, कोई यही बेगी नाश। मंत्री वैद और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। स्वयं रावण कहु बनी सहाई, अस्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभूषण आवा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अभ्राता चरण शिशु ते ही नावा, जय सिया राम जय जय हनुमान। रावण के लिए भी वही सहायता संजोगावनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। अपुनी सिरु नाई बैठनी जयासन, अब बोला बचन पाई अनुशासन। अजो कृपाल पूछहि मोहि बाता, जय सिया राम जय जय हनुमान। अमति अनुरूप कहउ हित ताता, जय सिया राम जय जय हनुमान। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। तो विभीषण जी बोले, क्या बोले, कि जो आपन चाहे कल्याणा, जय सिया राम जय जय हनुमान। असुज सुसुमति सुभगति सुख नाना, जय सिया राम जय जय हनुमान। सो पर नारी लीला रघुसाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अत जऊ चौथी के चंद की नाई, जय सिया राम जय जय हनुमान। जो मनुष्य अपना कल्याण सुंदर यश सुबुद्धि शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथे के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। चौदह भुवन एक पति होई, जय सिया राम जय जय हनुमान। अभूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई,
जय सिया राम, जय जय हनुमान। अगुण सागर नागर नर जोऊ, जय सिया राम, जय जय हनुमान। आलाप लोभ भल कहई न कोऊ, जय सिया राम, जय जय हनुमान। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं करता, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, इन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। 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 संकट कटे मिटे सब पीरा, जय सिया राम, जय जय हनुमान। अजो सुमिरत हनुमत बलबीरा, जय सिया राम, जय जय हनुमान। एक घड़ी या दो घड़ी या दो में पुनियाद, अतुलसी संगत साधु की अरे कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।